इस वक्त की बड़ी खबर बजट से जुड़ी आ रही है। उच्च शिक्षा के लिए बजट में 10 लाख रुपए तक का लोन घोषित कर दिया गया है। 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दी। आपको बता दें, इसमें वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें, उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 10 लाख रुपए तक का लोन अब दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बजट से जुड़ी आ रही है। उच्च शिक्षा के लिए बजट में 10 लाख रुपए तक का लोन घोषित कर दिया गया है। 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दी। आपको बता दें, इसमें वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें, उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 10 लाख रुपए तक का लोन अब दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बजट से जुड़ी आ रही है। उच्च शिक्षा के लिए बजट में 10 लाख रुपए तक का लोन घोषित कर दिया गया है। 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दी। आपको बता दें, इसमें वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें, उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 10 लाख रुपए तक का लोन अब दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बजट से जुड़ी आ रही है। उच्च शिक्षा के लिए बजट में 10 लाख रुपए तक का लोन घोषित कर दिया गया है। 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दी। आपको बता दें, इसमें वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें, उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 10 लाख रुपए तक का लोन अब दे दिया है।